मैंने कल आपसे बताया था, बसु कि आप एक बहुत सुंदर प्रकृति की रचना है। बहुत मेहनत से, नजाकत के साथ, अत्यंत प्रेम के साथ परमात्मा ने आपको बनाया है। आप एक बहुत विशेष चीज है। अनंत योनियों में से आप घटित होकर के इस मानव रूप में स्थित हैं। आप इसलिए इसकी महत्ता नहीं जान पाते क्योंकि ये सब आपको सहज में ही प्राप्त हुआ है। अगर इसके लिए मुश्किलें करनी पड़ती, आफतें उठानी पड़ती और आप इसको अपनी चेतना में जानते, आप अवेयर होते, तो आप समझ पाते कि आप कितनी महत्वपूर्ण चीज है। मनुष्य को जानना चाहिए कि परमात्मा ने हमें क्यों बनाया, इतनी मेहनत क्यों की, हम किस लिए संसार में आए और हमारा भविष्य क्या है, हमारा अर्थ क्या है। जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था कि अगर ये मशीन हम बनाए और इसको इस्तेमाल नहीं करें उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन जब तक ये मेन से लगाया नहीं जाता है तब तक आप इसका उपयोग भी नहीं कर सकते। उसी प्रकार जब तक आप अपने उस अनंत स्रोत के साथ संबंधित नहीं होते, जिसके बारे में अनेक साधु संतों ने वर्णन किया हुआ है, अनेक पुस्तकों में आपने जिसके बारे में सुना हुआ है कि अनंत शक्ति परमात्मा की सर्वव्यापी है और वो हर एक चीज का काम, हर एक चीज का संचालन, हर एक वस्तु की गति संभालती है। यह सुनी समझी हुई बात दूर की लगती थी। जब तक आप उससे संबंधित नहीं होते तब तक ये समझ में आने वाली नहीं। जैसे कि कल मैंने कहा था कि आत्मा को जाने बगैर आप परमात्मा को जान ही नहीं सकते। ये तो ऐसा ही हुआ कि आपके टेलीफोन का कनेक्शन लगा नहीं और टेलीफोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कुछ आप धर्म के नाम पर आज तक करते रहे वो इसी तरह का अंधाधुंध काम रहा है। ये आपको समझ में आ जाएगा एक बार आपका कनेक्शन लगने के बाद। जब तक आपका कनेक्शन नहीं लगा है तब तक ये प्रश्न बना रहेगा। अब हम क्या हैं, हमारे अंदर कौन सी व्यवस्था परमात्मा ने की है और किस मशीन के कारण, किस तंत्र के कारण हम उसको प्राप्त होंगे, इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ये विषय बहुत ही क्लिष्ट है। वास्तव में ये विषय तो तब बताना चाहिए जबकि आप पार हो जाएं, इसके वक्त आपका कनेक्शन हो जाए। मानो ये कि आप अंधे हैं और आपसे मैं बताऊं कि ये ऐसा बना हुआ है और यहाँ पर ये लाइट है और यहाँ पर इस तरह का रंग लगा है और इसका वातावरण बड़ा ही सुंदर है और यहाँ बड़ा अच्छा लगता है, आप यही कहेंगे कि हमारे पास आंखें तो है नहीं, हम इसे कैसे जानेंगे। और हमारे लिए भी ये बड़ा क्लिष्ट होगा समझाना। जैसे कि इस कमरे की लाइट अगर जलानी हो तो आप एक सिर्फ स्विच ऑन कर दीजिए, लाइट ऑन हो जाती है। इसी प्रकार आपके अंदर भी कोई चीज ऐसी ही बनी हुई, पूरी तरह से तैयारी करके परमात्मा ने रखी हुई है, उसको जगाना मात्र है। जब आप आलोकित हो जाते हैं, जब एनलाइटेंड हो जाते हैं, तो सारी की सारी चीज आसानी से समझ में आती है। पर अगर ये लाइट जलाने से पहले ही मैं आपको लेक्चर देना शुरू करूं कि ये लाइट कैसी आई, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई, इसका इतिहास क्या है, कैसे बना, तो सर दर्द हो जाता है। लेकिन आधुनिक मानव को सरदर्द लेने की आदत है। वो पहले चाहेगा कि पहले सरदर्द ले फिर उसको हटाए। उसको कोई चीज आसानी से अगर मिल जाए तो वो बड़े आश्चर्य से पूछता है कि हमने तो पढ़ा है कुंडलिनी के बारे में कि वो तो बड़ी मुश्किल चीज है, वो तो हजारों वर्ष में होती है, वो तो बड़ी मुश्किल चीज है और उसमें आदमी को ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो इस पे इतना ही कह सकते हैं कि भाई हो सकता है कि हम इसके माहिर, हम इसे जानते हैं और कुछ विशेष बात हमारी है ही जिसके कारण हम इसे आसानी से कर देते हैं
और बहुतों का ऐसे हो चुका है। इतना ही नहीं, जब आपका भी अंतर्योग स्थापित हो जाएगा, जब आप भी इसे प्राप्त होंगे, तो आप भी दूसरों की जोत जला सकते हैं बहुत आसानी। और बहुत से लोग हमने देखा है, खासकर इस बम्बई शहर में, पार होने के बाद फिर कोई प्रयत्न नहीं करते, कोई आगे नहीं बढ़ते। इस बम्बई शहर में एक तरह की इनर्शिया, जड़वार इसको पकड़े हुए है। इसके बारे में मैंने कल कहा था, आप भी सब मुंबई शहर में रहते हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अति सूक्ष्म यह संवेदना है, अति सूक्ष्म घटना है। यह घटित होना आपकी पूर्व संपदा का फल है, जन्म जन्मांतर की चीज आप पा रहे हैं, इसको आप समझ लें और इसमें गतिमान। ये नहीं कि जहां के तहां पाया और खत्म कर दिया। और जब ऐसा होता है तब हम देखते हैं इसका फल बहुत ही कम मिलता है। इसके अनेक फल हैं, उसमें से सबसे बड़ा फल यह है कि आपकी शारीरिक व्याधियां पूरी तरह से छूट जाती है, बाय प्रोडक्ट है। क्योंकि आपके अंदर अगर परमात्मा का आलोक आने वाला है, अगर आपकी आत्मा जागृत होने वाली है, तो यह शरीर का मंदिर भी निर्मल होना पड़ता है। आप में अगर कुछ मानसिक बीमारियां हैं, वो भी ठीक हो जाती है। आपकी बुद्धि भी आलोकित होकर के आप सुबुद्धि को प्राप्त करते हैं, विस्टम आप में जागृत हो जाती है। और चौथी जो सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि आपके अंदर से आत्मा स्पंदित होने लग जाता है, आप इसको चैतन्य के रूप में अपने हाथ से बहते हुए देखते हैं। इसको लोग वाइब्रेशंस कहते हैं, इसको कि सौंदर्य लोहरी आदि शंकराचार्य ने कहा है, बाइबल में से कूल ब्रीज कहा हुआ है। इसको आप जब पाते हैं तो हाथ में से ठंडी ठंडी हवा, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चेतन की बहती है। वाइब्रेशन का आप लोग सोचते हैं कि बदन हिलना या कुछ उसमें किसी तरह का झकझोर होना, सो गलत बात है, इसको भी समझ लेना चाहिए। वाइब्रेशंस माने बिल्कुल ठंडी ठंडी बहने वाली बहुत ही शीतल ऐसी हवा, जिससे बड़ी अंदर में शीतलता आती है और बहुत ही ज्यादा आशीर्वादित भावनाएं अंदर में पुलकित होती है। ये एक वास्तविकता है, साक्षात है, एक्चुअलाइजेशन है। ये कोई झूठ बात नहीं, ये कोई ब्रेन वॉशिंग नहीं, ये एक्चुअलाइजेशन है। इसमें आप वास्तविक में से पाते हैं और ये चीज आपके अंदर घटित होना एक अत्यावश्यक चीज है। अगर ये चीज घटित नहीं हुई तो मनुष्य जहां के तहां रह जाएगा, वो किसी भी तरह से उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाएगा जिसमें वो अपना अर्थ देखे, जिससे वो समर्थ हो जाए। अब ये आपके सामने यहाँ कुंडलिनी रखी हुई है, इसे आशा आप लोग सब देख सकते हैं, क्या आप सब लोग देख सकते हैं? इसका चित्र यहाँ बनाया हुआ है वास्तविक। कौन मधुमंडल मिथुन साले, क्या बात है साहब? अजीब लोग, अब कोई जिसको जाना हो प्लीज अभी बाहर चले जाइए, बीच बीच में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि भाषण देते वक्त ही मैं आपकी कुंडलिनी चला रही हूँ, इसलिए आप कृपया डिस्टर्ब नहीं करिए। आपको इतना काम है तो आप पहले से बाहर चले जाइए, जिसको जाना हो अभी चले जाए, क्योंकि कभी तो इत्मीनान होना चाहिए अपने लिए। अगर टाइम नहीं तो आप लोग चले जाइए, थोड़ी देर आपको बैठना चाहिए, जिससे आपको पाना है कभी अपने लिए भी तो समय निकालिए। ये कुंडलिनी हमारे अंदर परमात्मा ने बीज रूप रखी हुई है, इसको कि अंकुर कहना चाहिए। मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगी आज, क्योंकि रियलाइजेशन ही मुख्य बात है और कुंडलिनी अवेकनिंग ही मुख्य बात है, लेकिन बोलते ही बोलते आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। आप कृपया अपने हाथ ऐसे रखिए जब मैं बातचीत कर रही हूं, इस तरह से। अब ये कुंडलिनी आपके अंदर बसी हुई है, पैर में जूते तो नहीं, जूते उतार लीजिए, क्योंकि अर्थिंग होना चाहिए, मदर अर्थ से अर्थिंग होना चाहिए। सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।